हाय फ्रेंड, शाही इंडियन किचन में आपका स्वागत है। आज मैं इस फूलगोभी के साथ बहुत ही चटपटी सी नाश्ता की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इसके लिए हमने फूलगोभी लिया है। ये एक छोटा साइज का फूलगोभी था, इसे हमने इस तरीके से टुकड़ों में काट के अच्छी तरीके से हमने धो लिया है। अब इसे हम इस तरीके से एक ग्रेटर की सहायता से इसे हम ग्रेट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमें ना बारीक बारीक ग्रेट करना है। ये बहुत जल्दी ग्रेट हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ये देखिए, इसे हमने अच्छी तरीके से ग्रेट कर लिया है और इसके जो डंठल थे वो हमें नहीं चाहिए, ये हमने निकाल दिए हैं। ये हमने दो बॉईल आलू लिया है, इसे भी हम ग्रेट कर लेंगे। आप चाहे तो आलू के जगह पर जो हरा मटर आता है ना, अभी सीजन में है तो आप हरे मटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे भी हम बारीक बारीक ग्रेट कर लेंगे। ये देखें, हमने आलू को भी ग्रेट कर लिया है। ये हमने एक बोल लिया है, इसमें ऐड करेंगे एक कप सूजी, उसी कप से एक कप पानी डालेंगे। इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। इसे हम ढक कर के 10 मिनट के लिए रख दे रहे हैं फूलने के लिए। इधर हमने एक कढ़ाई चढ़ा दिया था गर्म होने के लिए और उसमें हमने 2 चम्मच तेल डाल दिया है। तेल गर्म हो चुके हैं, थोड़ा सा मैं हींग डालूँगी। हींग भून चुके हैं, इसमें हम थोड़ा सा जीरा डालेंगे। अब इसमें हम 2-3 हरी मिर्च काट के डाल दिए हैं। ये अच्छी तरीके से भून चुके हैं। अब इसमें हम ग्रेट किया हुआ फूलगोभी डालेंगे, इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसे हमने 1 मिनट के लिए भून भी लिया है। इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 चम्मच एवरेस्ट का गरम मसाला। अगर घर का गरम मसाला ले रहे हैं तो थोड़ा कम डालें। इसे मिक्स करेंगे। इसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, इसे भी मिक्स कर लेंगे। अब डालेंगे ये आलू। आलू हमारा बॉईल है तो इसे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 चम्मच चाट मसाला, ये घर का बना हुआ चाट मसाला है। 1/4 चम्मच कूटी हुई काली मिर्च, ये फ्रेशली कूटा हुआ है। ये सब सामान को अच्छी तरीके से मिक्स करके 2 मिनट के लिए इसे हम भून लेंगे। इसे हमने 2 मिनट के लिए भून लिया है। अब इसमें डालेंगे धनिया पत्ता, इसे भी मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड, अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो ये वीडियो को लाइक कर दीजिए और ये लाल सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है ना, इसका मतलब आप हमारे चैनल पर बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। तो आप इसे दबा दें, ये इस तरीके का ग्रे हो जाएगा। और साथ में ये बेल बटन है ना, इसे भी आप ऑल पे क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा, जब भी कोई रेसिपी की वीडियो मैं अपलोड करूँगी तो आप उसे सबसे पहले देख पाएंगे। और ये सब्सक्राइब हमें एक बार ही करना है। ये ग्रे कलर का दिख रहा है सब्सक्राइब का बटन, इसका मतलब आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, तो आपको सब्सक्राइब करने की फिर से ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन जब भी कोई वीडियो देखें तो आप उसे लाइक का बटन दबा करके लाइक कर दें। और ये बिल्कुल फ्री है और इसके कोई भी पैसे नहीं लगते हैं। चलिए, अब हम फ्लेम को बंद कर दे रहे हैं। 10 मिनट हो चुके हैं, सूजी अच्छी तरीके से फूल चुके हैं। इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच नींबू का रस। इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक। इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। आप चाहे तो इसमें नींबू के जगह 1/2 कप दही भी ऐड कर सकते हैं, पर कई बार दही अवेलेबल नहीं होता है, इसके लिए हमने नींबू डाल करके बनाया है। ये अच्छी तरीके से मिक्स हो चुके हैं। ये 1/4 चम्मच हमने खाने वाला सोडा लिया है, अब इसे भी मिक्स करेंगे। जिसमें हमने नाश्ते का फिलिंग बनाया था वही बर्तन ले लिया है हमने। इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा तेल। तेल को बर्तन में फैला लेंगे। इसमें डालेंगे 1 चम्मच बैटर, इसे फैला लेंगे। इसे हमने अच्छी तरीके से फैला लिया है। देखिए किस तरीके से जाले उठ रहे हैं। इसके ऊपर से डालेंगे ये फिलिंग जो हमने बनाया है। इसके ऊपर से फिर से डालेंगे 1 चम्मच बैटर और इसे हम कवर कर देंगे। इसे हम थोड़ी देर के लिए ढक दे रहे हैं। चलिए, इसे अब हम पलट देंगे। ये देखे, ऊपर से पक चुका है। ये देखे, छूने से नहीं लग रहा है। हम सावधानी से पलट देंगे। ये हमारा काफ़ी हेल्दी और टेस्टी नाश्ता जो है बनकर के तैयार हो चुका है। ये देखे, ये दूसरे साइड से भी अच्छी तरीके से पक चुके हैं। चलिए, इसी तरीके से हम सारे नाश्ता को बना लेंगे।